Good morning, students. Today is Saturday and today is your writing book's turn. आज आपकी राइटिंग बुक की टर्न है और राइटिंग बुक में जो है आपका चैप्टर नंबर थर्ड देखिए, नंबर्स आर फन. तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फॉरवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड काउंटिंग तो आप जानते ही होंगे. फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है? इन फॉरवर्ड काउंटिंग वी मूव स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड टूवर्ड्स द बिगर नंबर. फॉरवर्ड काउंटिंग में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है नंबरों में आगे की तरफ को बढ़ते हैं. 1, 2, 3, 4 छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ को हम जाते हैं. फॉरवर्ड काउंटिंग में हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 इज गिवन बिलो. देखिए यहाँ पर जो है आपको 1 से लेकर के 10 तक फॉरवर्ड काउंटिंग दी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो इसमें जो है आपको अभी एक्सरसाइज दी है जो कि आपको कंप्लीट करनी है. राइट डाउन एज फॉरवर्ड काउंटिंग. सबसे ऊपर लिखा है 2 to 10, तो 2 से लेकर के 10 तक आपको फॉरवर्ड काउंटिंग, ये जो बॉक्सेस आपको दिए हैं इनमें आपको फिल करनी है. नेक्स्ट देखिए 5 to 10, इन बॉक्सेस में आपको फॉरवर्ड काउंटिंग 5 से लेकर के 10 तक लिखनी है. 5 से स्टार्ट करेंगे आप और 10 तक. इन बॉक्सेस में 3 to 10 तक आप फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे. नेक्स्ट देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग से रिलेटेड ही है. देखिए असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े की तरफ को जाते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में भी हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ को जाते हैं. जैसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ को बढ़ते हैं, ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में भी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ को बढ़ते हैं. तो इसमें एक्सरसाइज देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आपने उनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे ऊपर देखिए आपको दिया है 8 है 2, 7, 5, 3, 6, 4, 1, 9. सबसे ऊपर ये आपको नंबर दिए हैं. तो इनमें देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है. देखिए तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 1. तो 1 को आप जो है यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे और 1 को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. आप देखिए बाकी के जो नंबर्स आपके पास बचे हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. 8, 2, 7, 5, 3, 6, 4, 9 इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर है 2. तो सेकंड बॉक्स में आप 2 फिल करेंगे और 2 को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. तो उसके बाद देखिए बाकी के जो बचे नंबर हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उनमें सबसे छोटा है 3. तो थर्ड बॉक्स में जो है आप 3 फिल करेंगे. उसके बाद सबसे छोटा नंबर 4 फिल कर देंगे और 4 को अंडरलाइन कर देंगे. 4 के बाद है 5 फिल करेंगे और 5 को अंडरलाइन कर देंगे. 5 के बाद है 6 फिल करेंगे और 6 को अंडरलाइन कर देंगे. अब आपके पास में बचा है 8, 7 और 9. इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7. तो आप यहाँ पर 7 फिल करेंगे नीचे बॉक्स में और 7 को अंडरलाइन कर लेंगे. 8 और 9 में कौन सा स्मॉलेस्ट है, छोटा कौन सा है, 8 लिखेंगे और सबसे लास्ट में आपका रह जाएगा 9. तो अब जो है आपके नंबर्स अरेंज हो गए हैं छोटे से बड़े की तरफ. सबसे पहले आपका 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. तो ये ऐसे आप जो है अरेंज करेंगे. तो नीचे भी आपको दिए हैं, ये नंबर्स आपको दिए हैं, 5 है 4, 8, 3. इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले फिल करेंगे उसको, 3 को, 3 है सबसे छोटा, 3 को अंडरलाइन कर देंगे. बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आप फिल करेंगे. उसके बाद सबसे छोटा कौन सा और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर बचता है. तो इस तरह से जो है आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और टाइम पे जो है ये मुझे सेंड करेंगे. आप ध्यान से काम करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर को ध्यान से फिल करेंगे. थैंक यू.